मैं सुधीर सिंह श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन का अध्यक्ष हूँ। 21 फरवरी 2020 को 80 के घाट पर मैंने श्री काशी विश्वनाथ मुक्ति आंदोलन की घोषणा की थी। हम लोगों का ये प्रयास था कि जो ये ज्ञानवापी मस्जिद है उसका सच पूरी दुनिया जाने। जब आंदोलन शुरू हुआ तो बहुत समर्थन आंदोलन को मिला, लेकिन प्रशासन ने बलपूर्वक उस आंदोलन को दबा दिया। मुझे 2 बार जेल जाना पड़ा। मैंने संकट मोचन मंदिर से और काशी विश्वनाथ मंदिर तक दंडवत यात्रा की घोषणा की थी, और साथ ही मैंने ये भी कहा था कि मैं मुक्ति बनारस से मिलने जाऊंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि कुछ धर्मगुरु हिंदू के हो जाए, कुछ मुस्लिम भाइयों के हो जाए, और मिल बैठ करके इस ज्ञानवापी का जो है हल निकाल ले। लेकिन मेरी गिरफ्तारी हो गई क्योंकि मुक्ति बनारस और तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ऐसा माहौल क्रिएट किया जैसे मैं शहर के लिए कोई अशांति पैदा करना चाहता हूँ, जबकि अशांति कौन पैदा कर रहा है ये इस समय पूरा बनारस देख रहा है। ये यासीन जो भड़काव भाषण दे रहे हैं उसके पीछे तमाम ऐसी शक्तियां हैं जो इस काशी में अमन चैन को पसंद नहीं कर रहे। हम 1972 से काशी में रह रहे हैं। हमारे पिताजी काशी में नौकरी में थे कृषि विभाग में, और हम लोग 1972 के बाद अक्सर बचपन में हर सोमवार को पिताजी के साथ हम काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने जाते थे। उस समय मस्जिद के अंदर कोई भी ऐसा बैरिकेडिंग नहीं था और कुछ भी नहीं था। वहाँ एक कोयले की दुकान थी, हमें आज भी याद है, एक महिला कोयला बेचा करती थी और उसमें बहुत से बच्चे खेलते थे जो जिज्ञासावश हम लोग भी कई बार उस मस्जिद के तहखाने के अंदर गए, और उस तहखाने के अंदर तमाम विग्रह मौजूद है। वहाँ शिवलिंग भी मौजूद है, छोटे छोटे शिवलिंग भी हम लोग ने देखे थे। अब बचपन में इतना हम लोग को नहीं मालूम था कि वहाँ क्या क्या है और किस लिए है, लेकिन हमें आज भी ये पूरी अच्छी तरह हमें स्मृति में है कि वहाँ तमाम विग्रह के अवशेष थे, और वहाँ की जो पश्चिमी दीवार है वहाँ भी तमाम आकृतियां ऐसी थी जो वहाँ मंदिर होने का भान होता था, लेकिन बचपन में हमें मंदिर और मस्जिद में भेद नहीं मालूम था। लेकिन आज जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ उसके बाद तमाम वहाँ बैरिकेडिंग लग गई और मुस्लिम समाज के लोग भी वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने लगे। पहले वहाँ नमाज नहीं होती थी क्योंकि इस्लाम में यह है कि कहीं भी विवादित जगह पर नमाज नहीं होती, लेकिन आज हजारों की संख्या में लोग लाइन लगा के वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि ज्ञानवापी का सच दुनिया के सामने ना आए, क्योंकि ज्ञानवापी में अगर वीडियोग्राफी हो जाएगी तो लोगों को मालूम चल जाएगा किस तरह यहाँ मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। खबरों के पीछे की खबर पहुँचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।